गुड इवनिंग एवरीवन, आज सिलेबस देखते हैं सेमेस्टर थर्ड में जूलॉजी का, राइट। इसमें भी अगर आपका सेमेस्टर वन और टू ओवर हो गया, जिसमें इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट था, फिर कंपैरेटिव एनाटॉमी थी सेकंड ईयर में, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, अब हम देखते हैं कि सेमेस्टर थ्री में जो है क्या क्या होता है। सेमेस्टर थ्री में जूलॉजी में बेसिकली क्या है, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, राइट। फिजियोलॉजी जो है, इफ़ यू सी, कॉन्स्टिट्यूट एक टॉपिक को छोड़ के बाकी सारे टॉपिक पेपर वन में आते हैं, और बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स जो हैं पेपर टू में आते हैं, ठीक है। अब हम पेपर वन में देखते हैं क्या क्या टॉपिक आते हैं। इसमें जो है चार यूनिट है, उसमें कौन कौन से चैप्टर है अगर हम देखे जाएँ तो, जो है फर्स्ट यूनिट जो है वो है नर्व एंड मसल्स की, यानी कि इसमें आप जो है नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स और स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल्स, ये सब देखोगे। सेकंड यूनिट जो है वो है डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, राइट। थर्ड यूनिट जो है वो है एक्सक्रीशन, एंड फोर्थ यूनिट इज कार्डियो वास्कुलर सिस्टम, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये चार यूनिट जो है वो है पेपर वन में, ठीक है। अब ये जो पेपर टू में, जैसा कि मैंने बताया कि फिजियोलॉजी का एक चैप्टर पेपर टू में भी आता है, वो ये कि दैट इज रिप्रोडक्शन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक। इसके अलावा इफ यू सी, जो है बाकी जो बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, एक तो ये हो गया, बाकी जो बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं इसमें ये आता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मैंने CHO जस्ट कार्बोहाइड्रेट का शॉर्ट फॉर्म बना दिया, ठीक है। उसके बाद लिपिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड एंजाइम्स, राइट। तो इस तरह से जूलॉजी में सेमेस्टर थ्री में आपके ये दो पेपर्स, ठीक है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ इस पेपर के लिए, एंड आई होप आप सब इनमें यू विल फाइंड दीज पेपर्स इंटरेस्टिंग एज वेल, राइट, एंड यू विल डू वेल ऑल्सो इन दीज पेपर्स। थैंक यू वेरी मच।